हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए रोस्टेड चिकन की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैंने कढ़ाई में बनाया है। इसमें बहुत ही कम मसाले और तेल तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसके बनाने की विधि। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम दही लिया था। दही गाढ़ी थी लेकिन थोड़ी खट्टी थी। उसमें मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था, साथ में एक बड़े नींबू के जूस को भी गाड़ के लगभग एक घंटे मैंने छोड़ दिया था। और एक घंटे के बाद अब देखिए मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए कलर अच्छे आने के लिए। साथ में मैंने कश्मीरी लाल चिली डाला है और साथ में ही मैंने तीखी वाली मिर्च भी इसमें डाली है। और थोड़ा सा मैंने इसमें मैंने तंदूरी मसाला डाला है। अगर तंदूरी मसाला नहीं है तो आप मीट मसाला या चिकन मसाला डाल सकते हैं। और अब एक बड़े चम्मच से भर करके मैंने लहसुन डाला है, लहसुन का पेस्ट। और एक चम्मच भर कर ही मैंने बड़े चम्मच से अदरक का पेस्ट डाला है दोस्तों। और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर मिलाऊँगी। मिल्क पाउडर मैंने 3 बड़े स्पून से भर करके मिलाया है। अगर आपके पास मिल्क नहीं हो तो आप इसमें मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर वाली मलाई जो होती है उसे फेंट के इसमें डाल दीजिए। उससे बहुत ही अच्छा और मॉइस्ट बनेगा ये, और बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लगेगा। क्योंकि हम इसमें कोई भी ऑयल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अगर मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर, नहीं तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं अच्छी तरह से फेंट करके आधा कप मलाई। और अब देखिए कढ़ाई में मैंने सभी चिकन को डाल दिया है। कढ़ाई में आप कोई भी तेल वेल नहीं डालिएगा, बस कढ़ाई को हल्का गर्म करते रहिएगा। और उसी में हमने जो भी चिकन में सामान सब मिला है उसके समेत ही मैंने चिकन को डाल दिया है दोस्तों। और अब चिकन खुद के ही पानी में पकेंगे। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डाल दूंगी फ्रेंड्स। नमक डालने से चिकन पानी रिलीज करेगी, और हमने जो दही मिलाया है और चिकन खुद का पानी रिलीज करेगी। और बाकी इन्ग्रीडियंट्स हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे जब हमारे चिकन थोड़े भुन जाएंगे तब, और पानी रिलीज़ कर देंगे तब। बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनाने की रेसिपी है दोस्तों, इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं फिर से बतला देती हूँ, शुरुआत में मैंने एक कप 250 ग्राम मैंने गाढ़ी दही ली थी। और गाढ़ी दही में मैंने 1 किलो चिकन को मैरिनेट कर दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। और साथ में ही मैंने 1 नींबू निचोड़ दिया था और स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और मैरिनेट करके मैंने 1.5 से 2 घंटे रख दिया। आप चाहे तो रात में भी मैरिनेट करके रात भर रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जब मैरिनेशन के बाद मैंने इसे लिया चिकन बनाने के लिए, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला डाला है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं हो दोस्तों तो आप मीट पाउडर या चिकन पाउडर भी मिला सकते हैं, या फिर कोई भी रेगुलर कड़ी पाउडर हो तो उसे भी मिला सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि तंदूरी मसाला हो तो अच्छा होता है। मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है कहीं, क्योंकि कलर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। और उसके बाद मैंने सबों को मिला लिया था। साथ में ही मैंने लगभग आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला था। टीस्पून से बड़ी टीस्पून मैंने भर करके 3 टीस्पून डाला है, टेबल स्पून डाला है। और अब देखिए एक बार मैंने इसे चला कर इसमें आलू डाल दिए हैं। और थोड़ी 5 मिनट के बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डाल दिए दोस्तों। प्याज भी पूरा, जब तक हमारे चिकन पकेगा पूरा प्याज घुट के इसमें मिल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें प्याज मिलाया है दोस्तों। फिर से ढक करके लगभग मैं आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दूंगी, लगभग 20 से 25 मिनट। और अब खोलने के बाद मैंने इसमें हनी डाला है। हनी 1 चम्मच डालिएगा, इससे चिकन में न केवल ग्लेज आता है बहुत, बल्कि चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कैरेमल भी हो जाती है और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर भी आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। फिर से मैंने इसे ढक दिया है। मैं थोड़ा देर और उसे ढक करके रखूँगी दोस्तों, उसके बाद मैं बचे हुए मसाले मिलाऊँगी। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसमें केवल हमने लेमन, दही, ग्रीन चिली और कश्मीरी चिली पाउडर का प्रयोग किया है और तंदूरी मसाले का, और कुछ भी नहीं। बहुत ही हेल्दी चिकन है, इसे आप ज़रूर बनाइए। बच्चों को, बड़ों को, सबों को पसंद आएगी। और अब इसे देखिए लगभग ये पक चुके हैं। और अब इसमें मैं बाकी बचे हुए मसाले डालूंगी दोस्तों। अब इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, जिससे कि इसमें कलर और अच्छा आ सके। इसे सेकेंड बार में कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालिएगा। फर्स्ट बार में मैंने तीखी वाली मिर्च डाली थी। और अब मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है।
कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने एक टेबल स्पून भर के डाला है, और साथ में ही मैंने गरम मसाला एक टेबल स्पून भर करके डाला है, और अब एक टेबल स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूंगी दोस्तों। अब ब्लैक पेपर इत्यादि डालने के बाद मैं इसे ढक दूंगी फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। देखिए हमने अभी तक बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना ऑयल के इसे ज़रूर बनाइए। आप इसे रेगुलर कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बस आपको बीच बीच में चलाते रहना होगा फ्रेंड्स। और देखिए इसी तरह से करने के बाद मैंने सभी मसालों को मिला दिया। थोड़ी देर के लिए मैं और ढक दूंगी फ्रेंड्स। इसे ऊपर से नीचे चलाने के बाद दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ ज़रूर बतलाइएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हेल्दी डिश लाती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। मैंने 3 से 4 डाली थी क्योंकि मेरी हरी मिर्च टिकी थी। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और देखिए अब कितना अच्छा इसमें कलर आ गया दोस्तों, हमने जब इसे भून लिया है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत पसंद आएगी। इसे आप चाहें तो वैसे ही केवल सलाद के साथ खा सकते हैं रेगुलर खाने में, या चाहे तो पराठे के साथ लीजिए, बहुत ही टेस्टी है। और देखिए अब मेरे एकदम भुने हुए चिकन तैयार हो गए। अब इसमें मैं केवल थोड़ा सा मैं इसमें नींबू गाड़ दूंगी दोस्तों। नींबू, एक बड़ी नींबू मैंने ली थी और इसे मैंने गाड़ दिया था। नींबू गाड़ने से इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है। और इसे आप सर्व कीजिए प्याज के छल्लों के साथ, ये बहुत, और लेमन के साथ, बहुत ही टेस्टी, एकदम होटल स्टाइल के ये रोस्टेड चिकन लगेंगे फ्रेंड्स। इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी डिश है। बनाने में बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, और बिल्कुल ही खाने में हल्की होंगी। अब उतारने से थोड़ी देर पहले मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर करके बटर डाला। बटर डालने से इसमें बहुत अच्छा ग्लेज आ जाएगा और ये बिल्कुल भी सूखे सूखे भी नहीं लगेंगे, और बटर का फ्लेवर भी अच्छा आता है। बस इतना ही इसमें डालना है दोस्तों। अब इसे उलट पलट के थोड़ी देर के लिए मैं दम दे दूँगी, और उसके बाद मैंने इसे निकाल दिया है। मैंने इसे प्याज के छल्लो, ग्रीन चिली या लेमन से के साथ सर्व किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइएगा।